दोस्तों, आप सभी ने ओयो रूम्स का नाम तो जरूर सुना ही होगा। ओयो रूम्स बुक करने के लिए कम से कम आपको एक रात के लिए 1,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं एक रूम की बुकिंग के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इससे अगर महंगे रूम्स अगर लेना चाहें तो ओयो रूम्स में कम से कम 2,000-3,000 रुपये के भी रूम्स उसमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये से भी कम पे अगर ओयो रूम बुक करना चाहते हैं तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप जिस होटल को बुक करना चाहते हैं उसी होटल को अगर आप गो आइबिबो में भी सर्च करते हैं, क्योंकि गो आइबिबो और ओयो रूम्स एक ही होटल दोनों जगह अवेलेबल हो सकते हैं, तो अगर आप गो आइबिबो में उसी होटल को सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट इसमें मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी हल्द्वानी में एक होटल बुक किया था जिसकी ओयो की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी कीमत लगभग 1500-1600 रुपये के आसपास थी, लेकिन गो आइबिबो से मैंने उसे सिर्फ 340 रुपये में बुक किया। जी हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप इस रिसिप्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गो आइबिबो की साइट पे जिसे मैंने बुक किया रिसिप्ट में जिसे फाइनल प्राइस मुझे 341 रुपये चुकाना पड़ा, लेकिन गो आइबिबो के अलावा ओयो रूम्स की जो साइट है वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर देखिए इसकी कीमत 1600 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि गो आइबिबो में डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है और ओयो रूम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ओयो रूम्स बुक करना चाहते हैं तो आप पहले उसी होटल को आप गो आइबिबो में भी सर्च करके कंपेरिजन कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा सस्ता है। दोस्तों, ये जो रूम आप देख रहे हैं, चलिए मैं आपको रूम के अंदर लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, देहरादून से हम अभी हल्द्वानी पहुँच चुके हैं और मैं दिखाने वाला हूँ आपको ओयो का एक रूम जिसे मैंने सिर्फ 340 रुपये में बुक किया, जबकि आप इसे अगर इसकी साइट पर आप देखने जाएँ तो इसका जो रेट है आपको लगभग 1000 या 1200 रुपये के आसपास मिलेगा। तो आप सोचिए कि कैसे मैंने इसे सिर्फ 300 रुपये में बुक किया। तो मैंने इसे goibibo.com बुकिंग किया था क्योंकि इसके ऑफिशियल साइट पे इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है और रूम का स्टैंडर्ड जो है ओयो के बाकी होटल्स के जैसा ही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी स्पेसियस है और साफ़ सुथरा है और बाथरूम भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो अभी रात का समय है इसलिए मैं होटल के बाहर का सीन आपको दिखा नहीं पाऊँगा, सुबह मैं आपको होटल के बाहर का सीन आपको दिखा दूँगा। और यहाँ से हल्द्वानी से नैनीताल की डिस्टेंस जो है लगभग 1 घंटे की डिस्टेंस पे है और सुबह हम यहाँ से नैनीताल निकलने वाले हैं बस या टैक्सी से। तो सुबह मैं वो होटल का बाहरी हिस्सा आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको रूम बढ़िया से दिखा देता हूँ। काफी बड़ा है इसका और नैनीताल जाने के लिए मैंने हल्द्वानी को इसलिए चुना क्योंकि काठगोदाम में होटल्स जो काफी कम है, वैसे काठगोदाम और 5 किलोमीटर आगे है और नैनीताल से इसकी जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है, जबकि हल्द्वानी से नैनीताल लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। तो कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे नैनीताल की ओर, तब तक के लिए गुड बाय। अगली वीडियो में मैं आप देख मतलब सुबह जब मैं निकलूंगा तो इसके वीडियो का जो होटल का जो बाहरी जो हिस्सा है उसे मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।